गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुशामदीद। आज मैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे बना रही हूँ और उसकी वजह यह है कि कल मैंने रसबेरी की वीडियो बनाई तो जब उनकी लीव्स इस तरह उलट के देखे तो उसमें मेली बग्स का अटैक देखा तो मैं डर गई हूँ कि मैं तो बड़ा उससे करती हूँ कि भाई मेरे तो प्लांट्स पे बिल्कुल भी नहीं है किसी भी किस्म के पेस्टिसाइड का असर, क्योंकि मैं तो उन पर पानी का स्प्रे बहुत प्रेशर से बड़ी मोटर से पानी देती हूँ, तो पहले उनके लीव्स को देती हूँ फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की साइड में लेके जाती हूँ। लेकिन बहरहाल अब उसका देखा है तो अब मैंने हाइबिस्कस देखा तो उसमें भी उसका अटैक देखा, ढेरों ढेर लगे हुए हैं, तो सोचा कि सबसे पहले मैं बनाती हूँ ये और इसके बाद मैं स्प्रे करूँगी। तो मैंने ये तीन चीज़ें ली हैं, एक ये तीखी रेड चिलीज, एक ये पूरा गार्लिक और एक ये एलोवेरा का लीफ और चंद ड्रॉप्स लूँगी मैं इसके बॉडी वॉश की। तो अब मैंने ये सारी चीज़ें पीस के ये पीस के और इसको मैंने स्लाइसिस किए हैं और थोड़ा सा जूस भी इसका निकाला है स्पून से और अब मैंने इसको रखा है 4 से 5 घंटे के लिए। अब 5 घंटे के बाद अब ये स्प्रे मैं इसको मग में करूँगी ड्रेन और ड्रेन करने के बाद फिर ये मेरा ये बन गया है जो मैंने बनाया है। ये बना के ये रखा है 3 से 4 घंटे। अब देखिए इसका रिज़ल्ट मैं आपके सामने स्प्रे करूँगी और देखती हूँ कि क्या इस पे प्लांट्स पे क्या असर होता है, बल्कि यूँ कहना चाहिए मेलीबग्स पे इसका क्या असर होता है। तो अब मैं इसका करती हूँ। देखिए मैंने सोचा अब मैं यहाँ पीसूँ बनाऊँ, मैंने इसको कूट के पीस के इसका जेल निकाल के सारा रख लिया है, अब सिर्फ जो है इसको ड्रेन करना है और ड्रेन करने के बाद जो है इसको अभी फिर मैं ड्रेन करती हूँ। तो ये जो है करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसे जनाब इसका बना है। ये देखिए जी इसको हम ड्रेन कर रहे हैं और ड्रेन करने के बाद 1 लीटर पानी में मैंने ये 6 से 7 तीखी लाल मिर्चें डाली हैं और एक पूरा गार्लिक डाला है, ये वाला गार्लिक पूरा, और एक एलोवेरा का। ये देखिए इसके नीचे से ये बचा है, अब जो ये मटेरियल है वो ये बच गया है। अच्छा इसको आप बोलेंगे कि इसके अंदर से जो लाल मिर्चें हैं इनके तो बड़े बड़े पीस नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जो मिर्चें होती हैं इनके जो सीड्स होते हैं, सीड्स के अंदर कड़वाहट होती है, इनके जो छिलके होते हैं ऊपर की साइड के इनमें इतनी वो नहीं होती कड़वाहट, तो वो जो सीड्स टूटे गए हैं सारे। मैं चॉपर में तो नहीं पीस सकती थी, मैंने इसको पीसा है इसमें कुंडी में। तो अब उसके बाद देखिए इसको हम भरते हैं और ये देखिए ये बॉटल में, ये बॉटल में हमने इसको भर लिया और अब इसमें चंद ड्रॉप्स इसके भी डाल देंगे, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स जी। जी फ्यू ड्रॉप हमने इसके भी डाल दिए और अब हम इसको बंद करके तो अब इसका मेली बक्स पे डालेंगे, स्प्रे करेंगे। स्प्रे करते ही मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ कहाँ इसका असर हुआ है और क्या हुआ है। देखिए आप ये देख सकते हैं, आप दोनों चलिएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी इस चीकू से कैसे वो भाग रहे हैं, ये जो है चूटे किस तरह से भाग रहे हैं। देखिए मेली बग का असर आप देखिए कितने ज़्यादा है, जो जॉइंट है जॉइंट से ये मेरा ख्याल है एनर्जी सारी यहाँ से लेते हैं। अब आप इनका असर देखिए, मैंने इसको तोड़ा है नहीं इसलिए कि मैं आप लोगों को दिखा भी सकूँ ना कि इस पर कितना ज़्यादा अटैक किया है इन्होंने। तो अब ये जो है अब ये चूटे भाग रहे हैं, आप देखिए चूटियाँ ही भाग रही हैं। अब ये पूरे प्लांट पर इसका स्प्रे करेंगे और स्प्रे करने के बाद वीकली मैं तो कहती हूँ वीक में 2 दफ़ा करना पड़ेगा क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा है और रेसन लाइट में करना है और उस पर मज़ीद फिर पानी नहीं डालना इनके पत्तों पर। इसका जो अभी हमने बनाया है पेस्टिसाइड स्प्रे इसको उसको रहने देना है इसके ऊपर। तो अब देखिए आप पूरे प्लांट पे किया जाएगा और करने के बाद जो कुछ उसका रिज़ल्ट होगा वो भी आपको हम दिखाएंगे।
मैं ये सोच रही हूँ कि इस मटेरियल को अब कहीं पर फेंक ही देती हूँ, इसका कोई ख़ास काम नहीं है। मैंने इस हाइबिस्कस की भी आपकी वीडियो बना के आपको दिखाई थी और इसके ऊपर कहीं भी मेलीबग्स का असर नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं टहनियाँ तोड़ के लगा देती हूँ, अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ हाइबिस्कस की, कि उस टहनी भी मुझे लगता है कि उस पर भी मेलीबग्स का असर है। ये जनाब थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा, नहीं 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 ज़्यादा। ये देखिए, ये थोड़ा सा शेडिड एरिया में है, शेडिड एरिया इन द सेंस कि ये पेड़ों के साए के नीचे है दो, और ये दोनों पे ये अभी अभी हुआ है। देखिए आप ना, इसके लीफ पे देखिए और इस पे भी ज़रा ज़रा सा आ रहा है। अच्छा, इसमें ये है कि ये एक प्लांट पे हो ना तो ये सारे ही प्लांट पे ना लग जाता है, इसलिए इस पर फ़ौरन ही एक्शन लेना पड़ता है। अगर आप फ़ौरन इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो ये आपके सारे प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। और इन, अच्छा, इनका सबब जो है ना, चूंटियाँ और चूंटे होते हैं। देखिए, चूंटियाँ और चूंटे इनको लेके ना एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ले जाते हैं वो। और अच्छा, एक बात और है, जब इस पर ज़्यादा असर है उसकी कटिंग कर देनी है, कटिंग करके फेंकनी नहीं है इन डंडियों को, बल्कि थोड़ा सा गढ़ा करके कहीं रफ़ जगह जहाँ पे प्लांट्स नहीं हैं वहाँ पे इसको दबा दीजिए, ताकि ये दूसरे प्लांट को भी ना डिस्टर्ब ना करें, और वो फिर आप स्प्रे कीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको चीकू पर दिखाया, तो चीकू का ऐसा है कि उसके फ्रूट्स तो गिर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाना था इसलिए उसको काटा नहीं था, तोड़ा नहीं था, लेकिन इनको अब सबको कटिंग करके फिर इनके ऊपर स्प्रे करेंगे। और उनको कहीं ना कहीं इसको घर के अंदर नहीं फेंकना है, जहाँ प्लांट्स हैं वहाँ पे इस तरह की ख़राब टहनियाँ जिनके ऊपर ये लगे हुए हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने से पहले इनको कहीं फेंकिए, फिर आप स्प्रे कीजिए। ये देखिए, ये देखिए इनके ऊपर मेलीबग्स का स्प्रे कर रहे हैं, ताकि ना, ये देखिए आप कितने ज़्यादा हैं, ये अब इनके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं ताकि ये सारे मर जाएं। कल मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी, और इनके पत्तों के ऊपर भी है, पत्तों पर भी, पत्तों का ये होता है कि इसको उलट के भी मारना होता है जी, ताकि जो नीचे भी छुपे हुए होते हैं बहुत स्प्रे, तीखी मिर्चों के गले में भी इसका असर आ रहा है मेरे। ये देखिए सारा पे भी मारा, रसबेरी पे, कल इसकी वीडियो मैंने बनाई थी और कल ही अपलोड कर दी थी। ये देखिए आप, इसकी टहनी पे कितना ज़्यादा लगा हुआ है, इस साइड में आना नहीं होता लॉन के हिस्से में। मैंने जब देखा इसको, मैंने कहा चलो अब ये भी इसकी वीडियो बनाती हूँ, ये हर्बल प्लांट है, और कल ही बना के, कल ही मैंने इसकी अपलोड की है, तो जब देखा है मेरी बात तो मैंने सोचा चलिए आप फटाफट इसकी मैं वीडियो भी बना दूँ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की। ज़्यादा लगा हुआ, अल्लाह अल्लाह, सुबह सुबह कैसे इन्होंने अटैक किया है एकदम पता ही नहीं चला हमें तो। प्लांट्स का रोज़ पानी डालना है, केयर करनी है, लेकिन ये कि अभी दिमाग में है कि ये जो हम पानी का स्प्रे करते हैं बड़ी मोटर से, स्प्रे है पावर से, तो अगर छोटा मोटा होता है इंसेक्ट्स वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन नहीं ख़त्म हुए, इंसेक्टिसाइड्स का असर होता है। अब मैंने एक इसकी वीडियो बनानी है तो मैं आपको ये वाला भी दिखाती हूँ। देखिए कैसी है, ज़रा उठाइएगा इनके नीचे, देखिए ये दिख रहा है आपको कितने ज़्यादा मेलीबग्स का अटैक है। ये धूप में पड़े हुए हैं टोटली, फिर भी इनके ऊपर कितना असर है। तो ये सारा अब इन पर भी है, इनको भी वीडियो बनानी है। ये जंगली जड़ी बूटी होती है जो खुदरो होती है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फ़ायदे हैं, तो इन फवाइद पे बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम वीडियो बना रहे हैं। और इनका स्प्रे देखिए किस तरह से पावर से मारा जा रहा है, ताकि इनका मेलीबग्स का असर ख़त्म हो जाए प्लांट्स पर। फाइनली सारे प्लांट्स पे स्प्रे कर दिया है, और अब वीक में दो दफ़ा करेंगे। यकीन कीजिए जो है तीखी मिर्चें ना, इनका असर मेरे फेस पे भी लगता हुआ है और नाक में भी लगता है, इसके जो फ्यूम्स से उड़ते हैं वो उड़े हैं। बहरहाल अल्लाह करेंगे मेरा प्लांट सेट हो जाए, तो मैं वीक में दो दफ़ा इसका स्प्रे करूँगी,
और दो स्प्रे करने के बाद फिर मैं आई थिंक दो नहीं तीन मरतबा तीन तीन दिन के गैप से मैं स्प्रे करूँगी और फिर मैं वो वीडियो बनाऊँगी और फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी, जैसे मैंने आपको दिखाया चीकू पर कितने ज़्यादा मेलीबग्स और वो रसबेरी पे कितना ज़्यादा, और वो जो एक वो है जड़ी बूटी जिसकी मैंने आपको बताया कि उसके तमाम जितने भी फ़वाद हैं और जितने बेनिफिट्स हैं वो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। लेकिन जब मैंने उसके पत्ते हटा के बैक साइड में देखा है इतने ज़्यादा, तो सोचा है कि उस पर भी अब एक वीडियो बननी चाहिए। तो फ़िलहाल तो मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं वही कोशिश करती हूँ 5-6 मिनट से ज़्यादा की वीडियो ना बने, लेकिन बहरहाल अब देखिए क्या असर होता है जो मैंने ये बनाया है इंसेक्टिसाइड स्प्रे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं जी भी सैयद को इजाज़त दीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।